जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटेन में अब सिगरेट पर बैन लग सकता है। सरकारी सूत्रों के हवाले से द गार्जियन ने बताया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ऐसे तरीके पेश करने पर विचार कर रहे हैं जिसके चलते आने वाली पीढ़ी कभी भी सिगरेट नहीं खरीद सकेगी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर आरोप लगाकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल जस्टिन अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, वहीं भारत ने जिस तरह से कनाडा के आरोपों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है वो चिंताजनक है। चीन को अमेरिका और दुनिया के लिए अस्तित्व का खतरा बताते हुए रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली ने दावा किया है कि ड्रैगन अब यूएस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आम जनता के लिए बड़ी राहत दी है। सीएम सिंह ने आज से यानी कि 23 सितंबर जनता के लिए इंटरनेट सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया है। राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद लगभग 5 महीने से ही इंटरनेट सेवाएं बंद थी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल भारतीय यूजर्स ने जस्टिन ट्रूडो को निशाने पर ले लिया है और उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देकर उन्हें आईना दिखा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर संसद की नई इमारत की आलोचना की है। जयराम रमेश ने लिखा, पूरे जोर शोर से संसद की नई इमारत लॉन्च की गई थी, पर ये असल में पीएम मोदी के उद्देश्य को पूरा करती है। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। राज्य के कई भागों में झमाझम बारिश हो रही है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। वहीं बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से आज राज्य के कुछ भागों में बारिश के साथ अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 20 साल बाद कांगड़ा का किला फतेह करने के लिए कांग्रेस विधायक एकजुट हो गए हैं। किसी भी राजनीतिक दल को प्रदेश की सत्ता में पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले कांगड़ा जिला के 10 कांग्रेस विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में भोजन अवकाश के दौरान बैठक कर लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई। कालका शिमला फोरलेन के तीसरे चरण के कैंथली घाट ढली शिमला के हिस्से का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। अब शकराला से ढली मशोबरा जंक्शन तक के फोरलेन के हिस्से के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति यानी वर्किंग परमिशन मिलना बाकी है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। संसद के विशेष सत्र की आखिरी दिन दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी द्वारा यूपी के अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली को गालियां देने और उन्हें आतंकवादी तक कहने पर भारी बवाल हो गया है। इसरो ने शुक्रवार को कहा कि विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा में मॉनसून सत्र के 5वें दिन विपक्षी दल भाजपा ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के आरोप लगाते हुए कार्यस्थगन प्रस्ताव सदन में लाया। इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड में सहायक प्रबंधन 2023 की भर्ती के लिए पंजीकरण करने का आज यानी 23 सितंबर को आखिरी दिन है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वे फटाफट आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर इन रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।